हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल। यार आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक क्यों किया है? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक ब्लॉग कैसे बनाया जाता है? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, वो भी अपने मोबाइल फोन से। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ब्लॉग बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि एक ब्लॉग होता क्या है, ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगर कौन होता है। ओके, वो सब जान लीजिए। उसके लिए मैंने कंप्लीट वीडियो एक बना रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो यार उस वीडियो को पहले वॉच कर लीजिए, क्योंकि मैंने उस वीडियो में काफ़ी अच्छे सवालों के जवाब दे चुका हूँ कि कौन से यार ब्लॉग से पैसे कमाए जा सकते हैं, कौन से ब्लॉग से पैसे नहीं कमाए जा सकते, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉग कैसे बनाए, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दे रखी है। ओके, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि एक ब्लॉग कैसे बनाया जाता है अपने स्मार्टफोन से। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है रंजित एंड यू आर वॉचिंग रंजित 5M। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो यार वीडियो कर लीजिए लाइक। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्रोम ब्राउजर में चले जाना है। जैसा कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ क्रोम ब्राउजर पे। अब आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर पे आके गूगल पे सिंपली सर्च करना ब्लॉगर। जैसे ही मैंने ब्लॉगर सर्च किया मेरे सामने ये साइट ओपन हो जाती है। ओके, ये साइट आने के बाद में आपको क्या करना है, क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करना। जैसे आप क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो आपको क्या करना है, जो भी ईमेल से आप ब्लॉग बनाना चाहते हो उसी ईमेल को यहाँ पे चूज कर लेना। तो मैंने ये ईमेल चूज कर लिया। तो कुछ प्रकार इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है। एडी फॉलोअर इनको पढ़ लेना आप अच्छे से। ओके, तो अब आपको क्या करना, सिंपली इस पर क्लिक करना, क्रिएट ब्लॉग पे जाना। ओके, क्रिएट ब्लॉग पे जाने के बाद में यहाँ पे आपने ब्लॉग का टाइटल देना। तो मैं मतलब एक ई कॉमर्स साइट बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं टाइटल दे लेता हूँ। ओके, और स्टोर। जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हो मैंने दे लिया है ऑलरेडी टाइटल। अब नेक्स्ट कर देना। अब नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे चूज ए यूआरएल फॉर योर ब्लॉग, आपके ब्लॉग के लिए यूआरएल। तो यूआरएल को आपको पता होगा यूआरएल क्या होता है। तो आपको क्या करना है, एक यूआरएल चूज करना है, अपने हिसाब से एक यूआरएल रखना है। ठीक है, तो मैं रख लेता हूँ होम स्टोर। ये चेक कर रहा है तो ये बता रहा है सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, मतलब ये ब्लॉग एड्रेस अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दूंगा। ओके, होम स्टोर 05। फिर से ये चेक कर रहा है तो दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल, मतलब ये अवेलेबल है ये जो आपने एड्रेस डाला है। ठीक है, तो मेरे ब्लॉग का यूआरएल ये हो जाएगा होम स्टोर 05.blogstop.com। अब आपको नेक्स्ट सेव कर लेना है। जैसे सेव हो जाता है आपका ब्लॉग बनकर तैयार हो जाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरा ब्लॉग बनकर एकदम तैयार हो चुका है। अब भी आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली इस प्लस के आइकन पर क्लिक करके जो भी नॉलेज शेयर करना चाहते हो वो यहाँ पे पोस्ट लिख सकते हो। अब आगे आने वाले वीडियोस में मैं कंप्लीट बता दूंगा कि पोस्ट कैसे लिखा जाता है और कैसे आप अपनी ब्लॉग की सारी सेटिंग को कर सकते हो और कैसे आप अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपको अर्निंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना क्रिएट एडसेंस अकाउंट क्रिएट करके उसको ऐड कर लेना है। तो ये था सिंपल सा फंडा एक ब्लॉग बनाने का। आपका ब्लॉग दिखेगा कैसा वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। व्यू ब्लॉग पे जाओगे आप तो आपको ब्लॉग इस प्रकार से दिखेगा। आप इसका डिजाइन चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल शो होगी। बैक क्लिक के मैं बताता हूँ, यहाँ पे थीम पे जाओगे आपको अच्छी अच्छी थीम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर आप कोई और थीम ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके उसको अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये थीम अप्लाई हो चुकी है। अब देखो वापस से नीचे देखोगे तो व्यू ब्लॉग पे जाऊँगा
हाँ तो व्यू ब्लॉग पे आया तो हमारी थीम कुछ इस प्रकार से हो चुकी है यहाँ पे। ओके तो आप जैसा चाहो यार वैसा ब्लॉग बना सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे मेरा ब्लॉग एड्रेस भी शो हो रहा है, देखिए फ्रेंड्स होम ऊपर देखिए, हाँ ये रहा होम स्टोर 05.blogspot.com। ओके तो ये मेरा साइट का यूआरएल हो जाएगा, आपकी साइट बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो भी पोस्ट देख आप लिखोगे वो यहाँ पे दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो एक ब्लॉग बनाना तो आपको आ चुका होगा, तो चलो वीडियो करते हैं समाप्त। यार वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया है। आई होप कि फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि एक ब्लॉग कैसे बनाया जाता है, वो भी अपनी स्मार्टफोन का यूज करके। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली तो यार वीडियो को फिर से कर लीजिएगा प्ले, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और एक छोटा सा कमेंट करते जाना अपने इस बाइक के लिए, और वीडियो कर लीजिए लाइक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल वाले बटन को प्रेस करके बेल के आइकन को दीजिए हिट, ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज लाऊंगा ब्लॉगिंग से रिलेटेड प्लस यूट्यूब से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ इस वीडियो कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। ओके अगर आप एक YouTube चैनल बनाकर उससे अर्निंग करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए वीडियो ओपन हो जाएगा। ओके उस वीडियो पूरा वॉच कर लीजिए, आप समझ जाओगे कि YouTube से अर्निंग कैसे की जाती है, YouTube पे वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं, सब कुछ मैंने दे रखा है इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।